गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे 10:04 पे रिमाइंड करना उष्णा। हेलो उष्णा। यस सर। और मुझे रिमाइंड करना कि मैं मीटिंग लॉक कर दूं। ओके सर। ओके। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक ओनली 8 हैव कम। Only 8 have come so far. Now, yesterday I did something like this. First, I told you what is a rigid body. Then I told you what is definition of moment of inertia. Then I told you factors on which moment of inertia depends. And then after that, we have the radius of gyration ka definition jo abhi bhi whiteboard pe pada hua hai. All right. So, बस शुरुआत करना चाहूंगा डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, और मुझे सबसे पहले उष्णा से पूछना है। उष्णा, डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बोल। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point where entire mass of the body can be supported to be concentrated so as to the given same moment of inertia as the entire body. अरे supported नहीं supposed to be। तुमने supported बोला क्या? आपने क्या बोला उठना? Supposed to। हाँ supposed to be not supported। Okay that was a very good answer by उष्णा शेख and with that positive note we'll proceed further. Okay, I would like to ask Conan Qureshi. Are you there? Conan? Good morning, Conan. Good morning, sir. What is the unit of radius? What is the unit of moment of inertia? Unit of? Moment of inertia. Unit of moment of inertia. Kilograms? Nahin. Hussain Dagina, what is the unit of moment of inertia? Yes, sir. That's right. Very good answer. Kg meter square or gram centimeter square. Okay. I would like to ask Bhargesh, on what factors MI depends? Bhargesh, on what factors moment of inertia depend? I think Bhargesh ko main nikal deta hu kyunki kisi ke sath bhi riayat baratne ki nahi zara bhi. Bhargesh, okay. I would like to ask Ritika Prasad, on what factors moment of inertia depend? So mass and radius. Mass and radius. Radius kiska body ka? Distance. Sir, it's 10^4. Kya? It's 10^4. Ah, 10^4. Na, I locked the meeting. Okay. सिक्योरिटी में जाने का और लॉक मीटिंग करना, ये रहा लॉक मीटिंग खत्म। नाउ नोबडी कैन एंटर। देखो मैं एक बार वापस से आपको रिमाइंड। हाँ बोलो क्या? शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड व्हाट एल्स? डेंसिटी। डेंसिटी? नो नो No, 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 density. Yeah, axis of rotation. Yeah, position of axis of rotation, mass of the body, shape of the body, distribution of mass with respect to axis of rotation. These are the four factors. Okay. Then,
अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बार मेरे पास आसिफ रजा आया, बोले सर आप लोग पढ़ाते क्या, मतलब बिल्कुल सिर्फ समझ में ये नहीं आता है, सिर्फ मास तो हम लोग पढ़ देते, मास तो पढ़ देते क्योंकि मास में कितना वेट है, एमजी वगैरह फाइंड आउट कर, मास ज्यादा होना है वेट ज्यादा होना, लेकिन सर ये मास इनटू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा अननेसेसरी हम स्टूडेंट लोग को बॉदर करते रहते हो ये सब करने का, कल बोलेंगे मास इनटू रेडियस का क्यूब, फिर मास इनटू रेडियस रेडियस फोर, सर ये क्या है सर, क्यों पढ़ा रहे हो आप ऐसा ऐसा करके, क्या मतलब है सर आपका, व्हाई यू आर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड स्ट्रेट अवे। बोलिए सर क्या मतलब है, क्या लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, मास इनटू डिस्टेंस, स्क्वायर समेशन ऑफ मास ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, ये क्वेश्चन था किसका, किसका था क्वेश्चन, आसिफ रजा का। अब मैं पूछना चाहूंगा ओम मिस्त्री, क्वेश्चन क्या था आसिफ रजा का, ओम मिस्त्री क्वेश्चन क्या था आसिफ का, अरे मैंने जो बोला वही बोला ना, हिंदी में बोले चलेगा, चलो आंसर नहीं आता है कोई बात नहीं, आई विल नॉट रिमूव, ओनली थिंग इज यू शुड टेक पार्ट, कि आ जाने का बोलने का, हाँ सर नहीं याद आ रहा है, ओके मुझे मार्च बताएगा, मार्च क्वेश्चन क्या था आसिफ का, मार्च शेख, यस सर क्या क्वेश्चन था उसका, क्या रे ओके क्वेश्चन ये था कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हाई वी आर स्टडीइंग मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर का समेशन, इससे क्या प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंस आएगा, दैट मींस ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सुनो आखिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ क्यों रहे और उसका इंपॉर्टेंस कैसे है, कहां पे, आई एम गोइंग टू आस्क लास्ट में बोलूंगा चलो इसका बताओ क्या है आंसर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब मैं दो मोशन लेता हूं, एक लीनियर और एक रोटेशनल, लीनियर मोशन में अगर मोमेंटम देखे, मोमेंटम तो इट इज नथिंग बट पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोशन में फॉर्मूला आप सभी को पता है, व्हाट इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, बच्चे को मालूम है, रोशनी हाँ बेस्ट राइट, वेरी गुड आंसर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला है मा यहां पे रोटेशन में देखो, रोटेशन में क्वांटिटीज क्या हो जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड, और फिर मैं ना आपसे पूछूंगा कि आपको मेन चीज का डिफरेंस दिखाई देती है इसमें और इसमें, आई वांट टू सी हु इज द बेस्ट हु कैन पिक अप द आंसर, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ ही रहता है, ये लीनियर वेलोसिटी बिकम एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां पे मास के बदले आता है आई, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी बी के बदले ओमेगा, मास के बदले आता है आई, और यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स के बदले टॉर्क, ए के बदले अल्फा, मास के बदले आता है आई, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या चीज क्या हो जाती है, एनीबडी एम चेंजेस इनटू आई, दैट्स राइट, दैट्स द आंसर आई वांटेड, अब है ना यहां से शुरुआत होती है हमारे आंसर की, मतलब जो भाव हम लोग मास को देते हैं कौन से मोशन में, लीनियर मोशन में, वही भाव हमको किसको देना पड़ेगा बताओ, वही भाव किसको देना पड़ेगा, आई को, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इन विच मोशन, इन विच मोशन, मोशन ऑफ रोटेशन। अब हम लोग को होते हैं कि मास का भाव क्या है, मास का भाव क्या है, मास को क्यों इंपॉर्टेंस देना लीनियर मोशन में, रिमेंबर टेल मी वन थिंग, ये इसमें मेरा थोड़ा आपका ये चाहिए मेरे को सपोर्ट, सपोज मास ज्यादा होती है बॉडी के तो उसको धक्का मारना यानी उसकी चेंज ऑफ पोजीशन कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है,
तो उसका क्या ज्यादा होता है, एक वर्ड बताओ। मास ज्यादा होने पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होती है और मास कम होने पे वो क्वांटिटी कम होती है, विच इज दैट क्वांटिटी, एनीबडी कैन टेल मी। हां इनर्शिया, दैट्स इट, माय गॉड, सुपर्ब आंसर। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इनर्शिया मेजर करता है, इनर्टनेस और रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ मोशन। मास ज्यादा होगा ना तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा चेंज ऑफ मोशन करने के लिए, ऑलराइट। और मास कम होगा तो उसका जैसे इतना बड़ा कोई ट्रक भागते हुए आ रहा था उसको रोकने के बदले अपन साइड पे हट जाएंगे, बोलेंगे बाप रे मास इसका इतना ज्यादा है। लेकिन अगर छोटी सी कोई छोटा सा टुकड़ा आगे बढ़ रहा होगा तो मन लात मार के बोलेंगे दैट, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, मतलब टेंडेंसी टू अपोज इज लेस। तो मास मेजर्स इनर्शिया, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स, इसको बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब कहने का ये कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो इट विल रोटेट स्लोली स्लोली, जैसे मास ज्यादा होता है तो इट विल मूव स्लोली स्लोली, उसी तरह से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो उसका रोटेशन कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो उसका रोटेशन फटाफट। इसलिए इफ यू वांट बॉडी टू रोटेट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए। दस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज सेम एज दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उसे दागिना वाला अरे हुसैन को कोई इन्फॉर्म करो वो कि मैंने अनलॉक किया है मीटिंग फॉर 2 मिनट्स। ओके सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज सेम एज दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। मास मेजर्स इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और नाम है, उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया। उसका नाम क्या है? रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। ओके आई वुड लाइक टू आस्क लेट अस से प्रिशा शेट्टी। प्रिशा, यस सर, टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, चारों फॉर्मूले बोल फटाफट। सर ओमेगा 2 = ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी अल्फा टीटा बोलो आगे। ऐसे नहीं चलेगा, चलो एनीवे अभी मेरा नया क्वेश्चन। अस्का कम ऑन द स्क्रीन, कम ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, अस्का कम ऑन द सेंटर। अस्का मुझे बताओ, मुझे बताओ व्हाट इज द फिजिकल खाली एक लाइन में अगर आंसर देना हो तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका उसका आर यू देयर और नॉट? यस सर, किससे कंपेयर करते हैं? रोटेशनल
कौन सी क्वांटिटी है इसके कंपैरिजन होता है. ओके आसिफ रजा आप बोलो किसका इम्पोर्टेंस लीनियर मोशन में उसी का इम्पोर्टेंस कौन से मोशन में वो बताओ. आसिफ रजा सर मास मास इन विच मोशन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. मास लीनियर में भी और रोटेशनल मोशन में भी दोनों में मास है. इनर्शिया देखो ऐसा बोल रहे हैं सर सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं सर जो भी इम्पोर्टेंस मास का है लीनियर मोशन में वही इंपॉर्टेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में इतना बोलना है. विधि इतना बोलो विधि भट्ट सर द इम्पोर्टेंस ऑफ मास इज इन लीनियर लीनियर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन रोटेशनल मोशन. दैट इज राइट परफेक्ट. Mass measures inertia in linear motion. Moment of inertia measures inertia in rotational motion. Whatever mass importance in linear, same with the moment of inertia importance in rotational. Okay. इसके बाद एक और question आता है. Question आता है, what is the significance of radius of gyration? अच्छा, anybody can tell me the formula for radius of gyration? I, M और K का क्या है? Relation. Ohm mystery. I, M और K का क्या है रिलेशन. I इक्वल टू मास इन टू व्हाट अगर K रेडियस ऑफ गायरेशन है तो दैट्स राइट. अब द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन रिमेंबर रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस. It is nothing but distance between axis of rotation and the point. Remember, greater k implies again value of radius of gyration jata hai uska matlab mass is distributed away from the axis of rotation. Mass distributed away from the axis of rotation. Aur agar k ki value kam hai less value of k indicate mass is distributed near the axis of rotation. So basically radius of gyration signifies the distribution of mass with respect to the axis of rotation. Meri ye line suno, I'm going to ask. Radius of gyration signifies the distribution of mass with respect to axis of rotation. Konen bol? Konen Qureshi? Yes, sir. Bol radius of gyration ki line. Radius of gyration signifies the distance of the mass distance the distribution of mass from the axis of rotation. कभी भी अगर k की वैल्यू ज्यादा है तो समझ लो मास दूर दूर है एक्सेल और k की वैल्यू कम है इसका मतलब मास इज नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब अगला पड़ाव पे चलते हैं हम लोग. अगला पड़ाव शुरू होता है. अब मैं तीन फॉर्मूले मेरे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं वही क्या क्वेश्चन है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लिसनिंग टू मी. यू कैन नॉट जस्ट कीप क्वाइट. ओके क्वेश्चन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. Or show that kinetic energy of rotation equal to half I omega square. ये हमें दुनिया को प्रूव करके दिखाना है. अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कहां से आया ये? मैं आपको बताता हूँ. एक बार क्या हुआ ओम मिस्त्री मेरे पास आया. ओम मिस्त्री ने मेरे को बोला सर ये सपोज मास है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी दैट मींस इट पजेसेस मोशन. तो सर आपने इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन सर एक पंखा है एक पंखा है और सपोज वो रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो क्या उसके पास मोशन नहीं है. तो मैं बोला है. तो बोले सर उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. तो मैं बोला हाफ एम वी स्क्वायर. बोला सर हाफ एम वी स्क्वायर क्यों है तो रॉन्ग है क्योंकि पंखा तो अपनी जगह पे बैठा रहता है. पंखा थोड़ी भाग रहा है यहाँ से वहां से यहाँ कभी एक रूम से दूसरे रूम दूसरे रूम से तीसरे रूम कभी हॉल में कभी किचन में ऐसा होता है क्या. पंखे को जाते हुए देखा भागते हुए अपनी जगह पे ही रहता है जगह पे ही. तो उसके पास मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या उसने ये बोल दिया सर ये तो रॉन्ग है.
So our aim is to derive expressions for motion of those bodies which are rotating, kinetic energy of rotating body. Moving body का हमको पता है half mv square, लेकिन rotating body का पता नहीं है. All right. तो हुसैन question क्या बता? We have to find rotation We have to derive expression for kinetic energy of a rotating body. Let us understand how to do it. बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत इजी है. इसमें एक वर्ड याद रखना है, वो है विकी. हिंदी पढ़ना सभी को आता है. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन विकी. विकी. Let us understand how. So suppose this is a rigid body. Rotating about an axis passing through point O, मतलब ऐसे आइसन और ये body कैसे rotate कर रही है with angular velocity omega. Let's say body consists of particle of masses m1, m2, m3 like that. All right, situated at distances of r1, r2, r3 and so on. All right, and since bodies rotate with uniform angular velocity, different particle will perform which motion? Anybody can tell me which motion they will perform? Particle, जब पंखा घूम रहा होता है तो उसके सब particle ऐसे circle में जाते हैं ना, तो which motion they perform? Circular motion. In fact, uniform circular motion, क्योंकि uniform angular velocity, omega ना बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये भी with uniform velocity ये लोग जाएंगे. तो मैं consider particle of mass m1. Anybody can tell me what the linear velocity v1 of the particle? इसकी v1 की velocity क्या होगी? v1, v2, v3. v1 के रेशियो will be r1 into omega, because v equal to r omega हमको पता है. V1 equal to R1 omega. Then B. What is kinetic energy of this particle? Half M1 V1 square. That is equal to half M1 R1 square omega square. Similarly, for M2 kya hoga bolo? What is KE2? Half m2 r2 square omega square and so on. मतलब third particle का half m3, fourth का half m4, ये सब करते, last particle का half m. Therefore, what is total kinetic energy? Total kinetic energy will be equal to KE1 plus KE2 plus KE3 plus dotted plus KEN, or that is equal to half M1 R1 square omega square plus M2 R2 square omega square plus dotted plus half MN RN square omega square. When you half common lady. अंदर क्या आएगा? M1 R1 square plus M2 R2 square plus dotted plus MN RN square into ये omega square भी ले लेता हूँ कॉमन यहाँ पे. ये सब क्या है? Anybody can tell me ये सब क्या है? ये क्या ही है? Anybody who can say? इसके बदले में एक लाइन. That's right, Om Mistry. बहुत बढ़िया आंसर. And therefore kinetic energy equal to half I omega square. ये रहा आंसर आपके सामने. This is the formula for kinetic energy of rotating body. अब आप बोलेंगे सर विकी क्यों? देखो ये आया V और ये आया E. V1 equal to R1 omega, ये पता चला हमको. देखो ओमेगा वन नहीं होता है, ओमेगा में वन टू नहीं आएगा, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा. ऑलराइट, सिमिलरली
बाकी सब वन टू सफिक्स होंगे ओमेगा और अल्फा को छोड़ के. तो देखो v1 equal to r1 omega, k1 will be half m1 v1 square, v1 के बदले क्या रखेंगे r1 omega, तो it will become half m1 r1 square. मोमेंट m1 r1 square का मतलब ये वाला फैक्टर आ गया. कौन सा ये वाला फैक्टर? इसके इसमें से. तो मतलब सिमिलरली फॉर m2 ये लेगा. तो काइनेटिक एनर्जी q will be half m2 r2 square omega square, m1 के बदले m2, r1 के बदले r2, omega as it is, and so on यानी third, fourth, fifth, like that. इसलिए विकी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. विकी से मैं बोलूंगा ना विकी का फुल फॉर्म बता. विकी का फुल फॉर्म आपको बोलने का सर v1 इक्वल टू r1 ओमेगा एंड से k1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. फिर ऊपर से v1 के वैल्यू डाल होता है दैट इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सर ये विकी का फुल फॉर्म है. ये रहा आपके सामने. मैं बोलूंगा वेरी गुड दैट्स द फैंटास्टिक आंसर. दैट्स द मैं एक बार फिर से बता रहा हूं विकी का फुल फॉर्म. तो आपको बोलने का है v1 equal to r1 omega. ये हो गया v का फॉर्म. k1 and t is half m1 v1 square, that is half m1 r1 square omega square and so on. मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसके पास रोशनी. विकी का फुल फॉर्म बता. So v1 is equals to r1 into omega and kinetic energy is equals to half m1 v1 का square, that will further written as half m1 r1 the whole square and omega square. That's right. बहुत अच्छा आंसर. बहुत प्यारा आंसर है रोशनी. I want everybody to answer like रोशनी. Okay? तो एक बार फिर से consider a rigid body rotating with uniform angular velocity omega about an axis passing through point O and perpendicular to plane of the mind board. तुम्हारे लिए plane of the paper हो. When the body consists of n particles, the masses m1, m2, m3 like that up to mn. Situated distances r1, r2, r3 like that up to rn. From where? From the axis of rotation. From the axis of rotation. All right. Consider particle of mass m1. Viki. V1 equal to r1. K1 equal to half m1 v1 square. That is half m1 r1 square omega square. Similarly for m2, what is k2? Half m2 r2 square omega square and so on. What is the total kinetic energy? Equal to ke1 plus ke2 plus ke3 like that up to kn. Ke1 ke badle ye, ke2 ke badle wo. Half common either, beech mein ye sab, it is omega square, half I omega square. Ye notes di hui hai. सभी लोग आसिफ रजा की तरह सब लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से अच्छे अच्छे शब्दों में लिख के. सो दैट व्हेन यू विल स्टडी यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू आर राइटिंग फ्रॉम योर ओन हैंडराइटिंग. तो वो बहुत इजी पड़ता है. ऑल राइट. और ये इसका घूम जाएगा, ये ध्यान रखना. इसके अंदर जो है जो मैंने भेजे हैं वो थोड़े दिनों बाद गायब हो जाएंगे. इसलिए बेटर राइट. घर पे कुछ काम नहीं है, बाहर जाने की मनाही है. तुम कंटिन्यूअसली स्टडी करो, कंटिन्यूअसली. इट विल हेल्प यू. ओके. इसके बाद मेरे क्वेश्चन हो गया. कौन इन कुरेशी? यस सर. What is the formula for kinetic energy of rotation? Kinetic energy of rotation half I omega square. That's right. बस ऐसा ध्यान दो, छोटे छोटे आंसर. प्रिशा शेट्टी गायब हो गई है मेरे ख्याल से. प्रिशा एंड माज, I am removing them. And धाकड़ा. Sir, I am there. वीडियो चालू रखेगा नहीं तो मैं निकाल दूंगा. Okay. इसके बाद हम लोग करते हैं फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम में फॉर्मूला जो है वो वर्ड जो याद रखता है इसमें याद रखना है विपुल. सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो हम लोग समझते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये हमको बचपन से पता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम. सिमिलरली
a quantity similar to linear momentum in motion of rotation is called angular momentum. Actually, formula हो जाएगा L equal to mass के बदले I, V के बदले क्या मैं भूल गया? V के बदले क्या? बच्चे लोग. That's right. So that is, but this is not the definition. Definition is not product of moment of inertia and angular velocity. But definition is based on this formula, L equal to PR. It is nothing but moment of linear momentum. Here is the moment of linear momentum. Well, of linear momentum into distance is called moment of linear momentum. So, बोले ना डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, तो इसका लिखने का एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सिंपल पीआर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, ये यूज करना है डेरिवेशन में, और ये डिराइव करना है फॉर्मूला एल इक्वल टू आई ओमेगा. यूज क्या करना है? एल इक्वल टू पी आर, पी वेयर एम वी पता है हमको, और डिराइव करना है एल इक्वल टू आई ओमेगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी. अब देखो डायग्राम से, कंसीडर द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, वो v की बात हो गई, p1 इक्वल टू m1 v1, ये वाला फॉर्मूला p इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा. इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है सी एल वन इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, प्यार एल इक्वल टू प्यार पी वन आर वन, ये हमें यूज करना है और ये हमें डिराइव करना है लास्ट में. तो पी वन के बदले इफ आई राइट दिस, इट विल बिकम एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा. मैंने आपको बताया जैसे ही एम वन स्क्वायर आए तो सिमिलरली फॉर एम टू. तो अब देखो की बात करता हूं, देखो ये हो गया V, ये हो गया P और ये हो गया L, विपुल. ओके, सिमिलरली फॉर M2 क्या लिखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखो, एनीबडी ओके कह मी कि सर यहाँ पे ये सिंबल लिखो जल्दी, क्या सिंबल लिखो यहाँ पे, at least one student. L. L2. Very good. Very good, Om Mistry. बस तुम ऐसे आज बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो. I really like this. Total angular momentum. क्या लिखता जाऊँ यहाँ पे? Anybody can tell me? क्या लिखूँ इधर plus के पहले? इधर क्या लिखूँ? इधर. M1 R1 square. L1, L2, L3, like that up to Ln. L1 के बदले M1 R1 square omega. L2 के बदले M2 R2 square omega. Mn Rn square omega. ये common. यहाँ पे omega. हाँ, अब कौन बताएगा मुझे अंदर क्या लिखूँ इसके अंदर? इस box work के अंदर क्या लिखा जाए? इधर क्या? बीच में equal आएगा. It is one student, yaar. Bolo, yaar. I omega. L is equals to I omega. That's right. Very good, Conan Prishi. Aisa answer mujhe bahut acha laga. Conan finally emerged from the box and came out with best answer. Dekho, ye L to left hand side pe tha. Iske badle I omega. Aur yehi humko derive karna tha, L equal to I omega. अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछूं तो दो फॉर्मूले देने आपको, बोलने का सर एल इक्वल टू पी इंटू आर और एल इक्वल टू आई ओमेगा. एक बार फिर से आपके सामने, कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर. तुम्हारे लिए बोल रहा हूं. Let the body consist of n particles of masses m1, m2, m3, like that up to mn.
situated the distances R1, R2, R3, like that up to RN. From where? From where? From the axis of rotation. Prisha, the moment you are not in video, main tumko nikal dunga class se. Okay, from the axis of rotation. Now I will not warn you. Main jaise dekhunga video off hai, main seedha without even asking you, I will remove you. Okay, so consider particle of mass m1. Dekho Vipul, v1 equal to r1 omega. p1 in a linear momentum is m1 v1, that is equal to m1 v1 ke badle upar r1 omega. A ko b mein, b ko c mein substitute karna hai. l1 equal to p1 r1. P1 ke badle m1 r1 omega into r1, so it will become m1 r1 square omega. Jaise hi m1 r1 square aaya hai, similarly for m2, l2 equal to m2 r2 square omega, and so on. Total angular momentum will be L1 plus L2 plus L3 plus later up to LN. L1 ke badle ye, L2 ke badle wo, LN ke badle apne aap, MN1, 2 ke badle suffix will be MNR. Ye sab humne liya common, idhar aya omega, L equal to I omega. Vector form mein isko hum log likh sakte hain, Kaisan, L bar equal to I omega bar. और इसको लिख सकते हैं आर बार क्रॉस बी बार. ये सब आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, कोई है क्लास में माई का लाल, हु कैन टेल मी यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? चलो सर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. माय गॉड, व्हाट अ आंसर बाय ओम मिस्त्री. लवली आंसर ओम, आज तो तुम फॉर्म में हो इतना काफी सही है. अरे मालूम है मेरे को, लेकिन खुश कर रहे थे ना वो लोग को भी. तो वो लोग को लगेगा वाह सर की मेरी इंप्रेशन बढ़ रही है. Nobody will give me their actual name. मैं जिसका नाम लेना चाहूंगा उसका ले सकता हूँ. Afif, understood? Yes, sir. Okay, I का ये देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ओमेगा इज पर सेकेंड, इसका आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड टेल मी व्हाट विल बी dimensions? Who can tell me dimensions? You ain't say dimension. Kg sir, m. Sir, m l two t minus one. Lovely answer. बहुत अच्छा आंसर है. तो m1 l2 t minus one. और इसका direction कोई बताएगा? Anybody who can predict direction of angular momentum? कुछ बता सकते हैं कोई direction? कहाँ होगा? Along the axis of rotation. My God. अब तो सच में ही कोनन थी. वाओ सर, आई थिंक कोनन नहीं थी, कौन थी ये? सर इट वाज मी, वैष्णवी. वैष्णवी बहुत प्यारा आंसर है, बहुत प्यारा, रियली गुड, बहुत अच्छा आंसर है वैष्णवी, आई अप्रिशिएट. देखो ये ओमेगा बार का डायरेक्शन था, तो उसी तरह से एल बार इस आई इनटू ओमेगा बार, आई तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, स्केलर है, तो ओमेगा बार के डायरेक्शन में एल बार के डायरेक्शन. So along the axis of rotation given by right hand rule. Bahut acha answer Vaishnavi, continue like this. Ab mera question hoga, Vipul ka full form batao. Vipul ka full form to aapko bolna hai sir, ABC. A mein V1 equal to R1 omega, V kata. P1 equal to M1 V1, yani ke M1 R1 omega, B kata. L1 equal to P1 R1, that is M1 R1 square omega.